फिर एक चीज जो है वो मैनेजर्स के अंदर भी होती है डिसीजन मेकिंग में, उसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड दिस इज ह्यूमन नेचर। आप लोग भी जब कोई डिसीजन लेना होता है, जो डिफिकल्ट डिसीजन हो, तो उसको आप डिले करते रहते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज आती है कि इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, और नेचुरली जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, आप रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। जब आप रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं, तो डिसीजंस को डिले करते हैं, या किसी के डिसीजन के बारे में इफ यू आर नॉट श्योर कि व्हाट इज द राइट डिसीजन, तो उसमें भी आपका प्रोक्रेस्टिनेशन का एलिमेंट नजर आता है। तो मैनेजर्स की लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत कॉमन फेनोमेना है। आपने देखा होगा कि आप उसे लीव की अप्रूवल देते हैं, उसको पता है कि 1 महीने के बाद आपने लीव पर जाना है, लेकिन वो उसको लास्ट दिन डे पे साइन करेगा या 1 हफ्ते पहले साइन करेगा। ये प्रोक्रेस्टिनेशन बाज मैनेजर्स में बहुत ज्यादा ऑब्वियस होती है। बाज मैनेजर्स जो थोड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनके अंदर इतना नहीं होता प्रोक्रेस्टिनेशन, वो आमतौर पर रूटीन में चीजों को करते रहते हैं, दे क्लियर देयर फाइल डेली। लेकिन स्ट्रेटजिक डिसीजन में वो भी प्रोक्रेस्टिनेशन से काम लेते हैं, बिकॉज दे वेट कि मेरे पास और अच्छे इंफॉर्मेशन आ जाए, और अच्छा टाइम आ जाए, और अच्छा फीडबैक आ जाए, और जब मुझे जरूरी हो डिसीजन लेना, तो उस वक्त मैं डिसीजन। तो ये एक डिसीजन मेकिंग में प्रोक्रेस्टिनेशन का रोल है। फिर एक और चीज है जिसको हम कहते हैं कि लोगों में नेगेटिव इफेक्ट होता है और पॉजिटिव इफेक्ट होता है। नेगेटिव इफेक्ट क्या है? फियर, एंगर, डिप्रेशन। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? लव, ह्यूमैनिटी, विलिंगनेस टू हेल्प अदर। ये पॉजिटिव इफेक्ट है। तो कुछ लोगों में नेगेटिव इफेक्ट होता है, कुछ लोगों में पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो जब आपके किसी के अंदर नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादा नजर आता है उसके।